जवाहिर हिंद का मतलब है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर। दारुल उलूम देवबंद से तमाम मदरसे संचालित हैं, वहाँ लाखों मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। संचालित होने वाले जितने मदरसे हैं वो सबको बुलडोजर लगा के गिराने की जरूरत है। खाल तो हम देखिए, उस खाल खींचने की बात ये रही, नाथ पर कोई वजू करेगा या थूकेगा तो उसका हम इस तरह से खाल खींचेंगे भूसा भरने के लायक। दूसरा, अगर संविधान के अगेंस्ट बात करेगा तो हमारी मजबूरी होगी कि फिर क्रिया की प्रतिक्रिया। पिछली बार अयोध्या में हमने मांस मदिरा बंद कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया था स्टेट गवर्नमेंट, उसमें अंडा मांस मदिरा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दें। देखिए, अयोध्या मथुरा काशी ये सनातन धर्म का केंद्र है। एक कालखंड ऐसा आया कि जिस समय जैसे सूर्य ग्रहण लग जाता है चंद्र ग्रहण, उसी तरह से मुगल काल जो आया तो सनातन धर्म पर ग्रहण सा लगा। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा उस समय राम मंदिर जैसे तोड़ा गया, वैसे काशी का मथुरा का भी, तो राम मंदिर तो संवैधानिक तरीके से हो गया है। काशी मथुरा में हमारी संवैधानिक लड़ाई जारी है और सारे साक्ष्य हैं हमारे पास, वो भी जल्दी हो जाएगा। अब बाकी बात ये कुछ जो है, अभी दारुल उलूम देवबंद के द्वारा एक फतवा जारी हुआ है कि गजवा हिंद में मरने वाले जो मुसलमान हैं वो सबसे बड़े शहीद, तो देश के लिए प्राण निछावर करने वाले जितने शहीद हैं उनका इन्होंने अपमान किया है। क्योंकि गजवा हिंद में जो लोग जो मुल्ला लड़ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। गजवा हिंद का मतलब है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए निर्दोष हिंदुओं की हत्या करना। जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ, जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर में हुआ, उसी तरह से इनको फिर से ये रिपीट करने की तैयारी में है। तो आज हमने अभिषेक किया है कि ये जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता, ये ख़त्म हो, लोग मानवता को समझें। और इस तरह की जो भावनाएं हैं, अब दारुल उलूम देवबंद से तमाम मदरसे संचालित हैं, वहाँ लाखों मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आतंकवादी बनाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, यह संविधान विरोध में है, मानवता के विरोध में है। और दारुल उलूम के साथ साथ उससे संचालित होने वाले जितने मदरसे हैं वो सबको बुलडोजर लगा के गिराने की जरूरत है। और एनएसए के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। अरे, एक बार देश बट गया हिंदू मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, इस्लामिक राष्ट्र बन गया, बंटवारे से बचा हुआ जो हिंदुस्तान है उसको भी फिर से जो है गजवा हिंद की ये बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आज हमने भोलेनाथ का इसी में अभिषेक किया है, संकल्प करके कि गजवा हिंद की जो मानसिकता है समाप्त हो। कुछ मुस्लिम पक्ष के टारगेट पर भी आप हैं, मतलब कुछ वो लोग भी बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरह से उनके तरफ से बयान आएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। नहीं देखिए, हम पहले बयान नहीं देते हैं, हमारा खाल खींचने वाली बात पर वो बोले। नहीं, खाल तो हम देखिए, उस खाल खींचने की बात ये रही कि उस दिन हम दर्शन करके निकले तो कुछ जो है तो मुसलमान जो है कुछ लड़के जा रहे थे, वो कह रहे थे हम लोग यहाँ वजू करेंगे, थूकेंगे, ये फब्बारा है, शिव नहीं है। तो हमने कहा देखो ऐसा है, उसी समय हमने एक बयान दिया, हमने कहा कि अगर भोलेनाथ पर कोई वजू करेगा या थूकेगा तो उसका हम इस तरह से खाल खींचेंगे भूसा भरने के लायक नहीं बचेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब आप अपने नबी के विषय में और आपके अल्लाह के विषय में आप चाहते हो कि कोई अपमानजनक शब्द ना बोले तो आपको दूसरे की भी आस्था का सम्मान करना चाहिए। अब कोई इस तरह से अगर हमारे देवी देवताओं को गाली देगा तो हमें तो बोलना पड़ेगा ना। तो हम संवैधानिक हैं, मानवतावादी हैं, लेकिन हम अपेक्षा रखते हैं कि हम आपका अपमान न करें तो आप हमारे देवी देवताओं के विषय में भी अपमानजनक टिप्पणी न करें। जिस तरह से ये बार बार ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, मतलब अब कोर्ट ने भी और एएसआई ने भी मतलब जांच एकदम फाइनल कर दिया है, उसके बाद भी ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, हाई कोर्ट तक पहुंच जा रहे, क्या इसको देखते हुए? देखिए, यही गलत बात है। यही तो लड़ाई है कि जो माने कोर्ट के कार्य में भी आप जो है तो अड़ंगा लगा टांग अड़ा रहे हैं तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और चूँकि ये भारत है और भारत में जो हम सनातनी हिंदू हैं तो हम लोगों को क्या, हम लोग तो चींटी को भी चाहते हैं कि कष्ट ना हो, उसको बचा के चलते हैं, इस वजह से ये इतना बोल रहे हैं। अगर हम लोग इनकी मानसिकता में जिस दिन आ जाएंगे तो उस दिन तो पता नहीं लगेगा कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम संविधान के दायरे में हैं और दूसरा भी संविधान के दायरे में रहे। दूसरा अगर संविधान के अगेंस्ट बात करेगा तो हमारी मजबूरी होगी कि फिर क्रिया की प्रतिक्रिया देना। अजय महाराज जी, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि काशी मथुरा और अयोध्या में तीनों में से आप सर्वश्रेष्ठ किसको समझते हैं? सर्वश्रेष्ठ तो देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अयोध्या ही मानी गई है, क्योंकि पता है अयोध्यापुरी मस्तके। वैसे तो शिव जो है राम की आराधना करते हैं और राम शिव की आराधना करते हैं, तो को बड़ छोट कहा तो अपराधी किसी को बड़ा छोटा कहने में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भगवान शिव भक्त हैं राम जी के, और राम जी का भी ये है कि जो शिव की कृपा नहीं होगी तो राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।
तो इसलिए वहाँ छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। नहीं, हमारे प्रश्न का तात्पर्य ये था कि जैसे अयोध्या और मथुरा में मांस मदिरा मुक्त है, तो काशी में भी क्या इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपकी नज़र में तो ये तीनों सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, हमने एक बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा था, पिछली बार अयोध्या में हमने मांस मदिरा बंद कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया था स्टेट गवर्नमेंट को, और हमारे ही उस पर पहल पर वहाँ अंडा मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगा था। हमने बात किया है कि जितने भी धर्म स्थल हैं सभी तीर्थों से उनकी शास्त्रीय सीमा 84 कोस की होती है, 84 कोस से अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया जाए, तो उस पर बात चल रही है, बहुत जल्दी काशी में भी हो जाएगा। देवों को देव महादेव कहे जाते हैं, तो उस हिसाब से तो पहले काशी में तत्काल तुरंत वर्तमान में बंद हो जाना चाहिए। मैं वर्तमान में काशी के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि काशी की जो 84 कोसी सीमा है उसमें अंडा मांस मदिरा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दें।